एवरीवन, आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 2 में आए हैं। लेक्चर नंबर 1 आई होप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अभी हम लोग 2 में, जहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री देखने वाले और भी टॉपिक देखेंगे। पहले इस तीनों पॉइंट को क्लियर करते हैं, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। तो पहले आपको हम सिस्टम समझाते हैं, बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अपने कॉलेज जाते होंगे, तो कॉलेज में किसी एक पे फोकस रहता होगा, ऐसा तो नहीं सभी पे फोकस रहता है, समझ रहे हैं। तो किसी एक पे फोकस है ना, वही आपका क्या है, सिस्टम है। उसी तरह से हमारे मान लीजिए कि जहाँ पे हम स्टडी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हवा है, हमारे चारों तरफ हवा है, तो हमको जहाँ तक स्टडी करना है, तो जहाँ पे हमारा फोकस हो कि हमको यहाँ स्टडी करना है, तो यही हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ये हमारा सिस्टम, जैसे आप कॉलेज जाते होंगे तो कहीं एक जगह नजर रहता होगा, तो वो आपका सिस्टम हो गया। उनके चारों ओर जो रहते होंगे वो आपका बाउंड्री हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। सराउंडिंग हो गया, सराउंडिंग और जहाँ पे फोकस है उसके बीच में बाउंड्री होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, मान लीजिए सिस्टम है आपका, और सिस्टम इसके बाहर जो कुछ भी है, ये सब बाहर जो कुछ भी है, यही आपका क्या, सराउंडिंग है। ये सराउंडिंग है, अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एक बाउंड्री होगा, एक कोई बाउंड्री होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो आइए उसको बारी बारी से हम लोग समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले कि क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन अ स्पेस आवर अटेंशन इज फोकस इज कॉल्ड सिस्टम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, जहां हम जैसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि एयर में हमको अधिक करना है, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे आप देखें क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर, देखें गैस सिलेंडर ऐसे होता है, ये आपका गैस सिलेंडर है, एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, अच्छा नहीं बना है लेकिन समझिएगा, इसके अंदर गैस भरा होता है, इसके अंदर गैस भरा होता है, ठीक है। तो ये जो आपका ये गैस भरा हुआ, ये आपका क्या हो गया, इसके अंदर सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया, सिस्टम, जो गैस उसके अंदर है वो। इसके बाहर जो, ये बाहर जो भी हो गया, ये वाला एरिया, ये बाहर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग, क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। और अब अच्छा, सराउंडिंग और गैस के बीच में कौन लेयर, कौन पकड़ के रखा हुआ, ये वाला लोहा के जो बना हुआ रहता है ऐसे करके, तो यही आपका क्या हो गया, बाउंड्री हो गया, यही चीज आपका क्या है, बाउंड्री। तो समझ गए कि क्या है सिस्टम, क्या है बाउंड्री, या क्या है आपका सराउंडिंग, ठीक है। तो इसी तीनों पॉइंट को यहाँ पे हम डिफिनेशन में पढ़ लेते हैं, डिफिनेशन में पढ़ लेते हैं। पहला सिस्टम बोलेगा तो क्या बोलिएगा, कि क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन अ स्पेस वेयर आवर अटेंशन, जहां हमारा फोकस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सराउंडिंग क्या है, तो एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के बाहर चारों ओर जो भी कुछ है, सभी के सभी क्या है, सराउंडिंग है। और सराउंडिंग और बाउंड्री को जो सेपरेट करता है, सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम बाउंड्री बाई इट्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। सराउंडिंग सेपरेट करता है किसको, किसको, सिस्टम इज सेपरेटेड बाय सराउंडिंग, सिस्टम जो सेपरेट होता है सराउंडिंग से, उसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। तो ये बाउंड्री हमको दो तरह से देखने को मिल सकता है, एक तो इमेजिनरी हो सकता है, दूसरा रियल हो सकता है। रियल इमेजिनरी कैसे हुआ, मान लीजिए सिलेंडर में, अभी बता रहे थे कि सिलेंडर में मान लीजिए गैस भरा हुआ है, सिलेंडर में क्या है, गैस भरा हुआ है। तो सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, तो इसके चारों ओर क्या लगा है, बाउंड्री, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं उसको। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे आसपास जो हवा है, उसको कोई बाउंड्री दिया हुआ है, इसको कोई बाउंड्री है, हाँ बाउंड्री होगा, यहाँ पे एक बाउंड्री होगा जो इमेजिनरी, हमको मान लीजिए इतना ही दूर का एयर का कैलकुलेशन करना है, तो इतना दूर के जो चारों ओर था ये इमेजिनरी है, ये इससे हवा आ भी सकता है, जा भी सकता है, लेकिन हम बस मान लिए हैं हवा में कि इतना दूर का हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, एनालिसिस करना है। तो इमेजिनरी बाउंड्री हो गया, जो हमको दिखता नहीं है, वो है ही नहीं, ठीक है, बस इसी मान लिए कि इतना दूर का हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, जो आपका है ही नहीं, तो क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री हो गया, समझ में आया। और जो मान लीजिए गैस के अंदर जो एयर है, तो आपका ये बाउंड्री जो है क्या है, रियल बाउंड्री है। अब आइए समझते हैं इस चीज को। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री दो तरह का होता है, एक रियल बाउंड्री होता है, दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी बाउंड्री होता है। इमेजिनरी बाउंड्री में जो हम अपने सराउंडिंग में, अपने चारों ओर मान लीजिए इतना दूर हवा का क्या करना है, कैलकुलेशन करना। अब इसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं, ऐसे ही हाथ से हम घेर दिए कि इतना दूर है, इतना दूर का हमको क्या करना है, कैलकुलेशन। अब इसके अंदर तो हवा और आ भी सकता है, यहाँ वाला हवा बाहर जा भी सकता है, लेकिन अगर एक गैस के अंदर, गैस सिलेंडर के अंदर हम गैस भर दे और उसमें जो यहाँ पे नीब होता है ना, बल्ब होता है, उसको बंद कर दे, तब बंद कर दे, तब ये मेरा क्या हो गया, ना मास बाहर जा सकता है, नहीं अंदर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है आपका क्या है, रियल बाउंड्री। ये बाउंड्री कैसा बाउंड्री, रियल बाउंड्री। तो ये दो तरह का हो सकता है, रियल, इमेजिनरी में तो कोई दिक्कत नहीं, इमेजिनरी समझ गए, रियल में दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड हो सकता है, एक मूवेबल हो सकता है। एक एक बाउंड्री है जो फिक्स होता, रियल बाउंड्री है, तो एक
फिक्स भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। अब आते हैं आईसी इंजन को देख लेते हैं। तो ये जो चारों तरफ अपना है, ये रेड पेन से जो चारों तरफ है, ये आपका क्या है, बाउंड्री है। इसके अंदर क्या है, सिस्टम है। इसके अंदर जो भी कुछ है यहाँ पे, ये क्या है आपका, सिस्टम है। अब बाहर क्या है, सराउंडिंग है। बाहर क्या है, सराउंडिंग है। ये चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग है। अच्छा, ये जो है आपका रियल बाउंड्री है, क्योंकि हम इसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये मास को क्या किया है, पकड़ के रखे हुए है, ठीक है। कब, जब बल्ब बंद रहे तब, ठीक है, तो पकड़ के रखे हुए भी है। अच्छा, ये भी तो बाउंड्री ही हुआ, जो पिस्टन दिख रहा है ये भी तो बाउंड्री ही है। तो ये बाउंड्री क्या है कि ये मूव कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है। अगर आपको बर्कडन चाहिए तो रियल बाउंड्री को आपको मूवेबल बनाना होगा, ठीक है, मतलब आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। तो यही बोले कि रियल बाउंड्री है जो दो तरह का हो सकता है। ये सब क्या है, फिक्स बाउंड्री है। ये सब क्या है, रियल बाउंड्री है, फिक्स बाउंड्री है। ये पिस्टन क्या होता है, मूव करता है, मूवेबल होता है, आगे पीछे कर सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, मूवेबल रियल बाउंड्री हो गया। समझ में आया, आई होप अभी तक सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री समझ में आया होगा। अब उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। टू गेट द वर्क फ्रॉम द सिस्टम, अगर आप चाहते हैं कि उसमें वर्क डन हो आपके सिस्टम में, तो उसके लिए मिनिमम वन बाउंड्री शुड बी मूवेबल। तब आपको एक बाउंड्री को क्या करना होगा, मूवेबल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में क्या हो, वर्क डन हो, तब आपको एक बाउंड्री को क्या करना होगा, मूवेबल रखना होगा, ठीक है। अगर नहीं चाहते हैं तो फिक्स रखिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमेजिनरी बाउंड्री अलाउ मास ट्रांसफर थ्रू इट। अभी बता रहे थे ना कि मान लीजिए कि हवा में हम ऐसे ही हाथ से घेर के बता दिए कि इतना दूर का हमको स्टडी करना है, हाथ से घेरे हैं, कोई बाउंड्री नहीं लगा हुआ है। तो क्या हो सकता है कि इसके अंदर बाहर वाला हवा आ भी सकता है, क्योंकि बाउंड्री तो है नहीं, हम तो ऐसी मान लिए। तो इसके जो बाहर वाला हवा ये आ भी सकता है, यहाँ वाला हवा बाहर जा भी सकता है, कि जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इमेजिनरी बाउंड्री अलाउ मास ट्रांसफर थ्रू इट, इससे मास को बाहर भेज भी सकता है, अंदर ला भी सकता है एयर मास को, ठीक है। तो इमेजिनरी बाउंड्री अलाउ मास ट्रांसफर थ्रू इट। अब आते हैं रियल बाउंड्री के बारे में जानते हैं। तो रियल बाउंड्री डज नॉट अलाउ मास ट्रांसफर थ्रू इट। अगर मान लीजिए वही गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे ना, तो अगर हम इसको बल्ब बंद रखते हैं तो क्या इससे गैस बाहर अंदर आ जा सकता है, नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये रियल बाउंड्री है। तो रियल बाउंड्री जो होता है ना, तो मास को अंदर आने देगा ना मास को बाहर जाने देगा। हाँ, ये कोई बोल देगा कि सर इसको गैस को तो पकता कैसे खाना है, तो उस टाइम हम बल्ब को इसका खोल देते हैं, जहां से गैस निकलता है उसको खोल देते हैं, बंद कर दीजिए तो क्या हो गया, पूरा पैक हो गया। तो रियल बाउंड्री डज नॉट अलाउ मास ट्रांसफर थ्रू इट, जो रियल बाउंड्री है अपने से बाहर मास ना होने देता है ना अंदर आने देता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक तरह से और हम बाउंड्री को क्लासिफाई कर सकते हैं, एडियाबैटिक बाउंड्री, दूसरा होता है डायाथर्मल बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री क्या है, तो वैसा बाउंड्री जो अपने आप से हीट ट्रांसफर नहीं करने देता है उसको हम लोग एडियाबैटिक बाउंड्री बोलते हैं। जो सिस्टम अपने आप से हीट को बाहर जाने नहीं देता है, ठीक है, मैंने हीट का ट्रांसफर नहीं करता है, उसको हम लोग एडियाबैटिक बोलते हैं। और जो पूरा का पूरा हीट का ट्रांसफर कर देता है उसको डायाथर्मल बाउंड्री बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डायाथर्मल बाउंड्री बोलते हैं। तो हीट का अगर ट्रांसफर कर दे, क्या कर दे रहा है, हीट का ट्रांसफर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब जीरो, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफिनाइट होगा, क्योंकि यहां से हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वही हीट का ट्रांसफर कर दे तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। अब इस चीज को हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। जैसे तीन सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका रियल बाउंड्री है चारों तरफ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये जो है इस सी से बी में हीट दे रहा है और बी से सी में हीट दे रहा है, तो अगर हीट को ट्रांसफर कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायाथर्मल बाउंड्री। मतलब ये जो बाउंड्री है आपका, ये जो बाउंड्री है ये कैसा बाउंड्री है, तो हीट का ट्रांसफर करने दे रहा है, देखिए सी से बी में चला जा रहा है, बी से सी में चला जा रहा है, मतलब डायाथर्मल बाउंड्री है। अगर यही बात करें हम ए और बी में, ना तो देखिए ना इसमें हीट जा रहा है ना आ रहा है, सी से भी ए में ना हीट जा रहा है ना आ रहा है, तो मतलब ये जो बाउंड्री यहाँ पे रेड कलर से बनाते हैं, ये जो आपका बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक बाउंड्री बोलेंगे, क्योंकि हीट का ट्रांसफर होने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक बाउंड्री बोलते हैं, डायाथर्मल बाउंड्री हो गया। आई होप इतना क्लियर हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कितने टाइप्स है इसके, तीन टाइप्स है, कौन कौन है, पहला है क्लोज सिस्टम, दूसरा है ओपन सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम।
आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अभी सिस्टम हम लोग पढ़ के आए, तो कितने तरह के होता है, तीन तरह के होता है, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब बारी बारी से आपको जनरल एग्जांपल देके समझाते हैं। आप सभी लोग चाय बनाए होंगे, ठीक है, सभी लोग चाय बनाने गए होंगे, तो चाय बनाते होंगे तो देखते होंगे कि एक कटोरे ले लेते हैं, एक कटोरे ले लेते हैं, उसको गैस पे चढ़ा देते हैं, इसमें दूध या पानी डाल देते हैं, दूध या पानी डाल देते हैं। पहले ओपन वाला को समझा रहे हैं, ठीक है, पहले दूसरा नंबर को समझा रहे हैं, तो ओपन इसमें क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो पानी डाल देते हैं, दूध वाला चाय बना रहे तो दूध डाल देते हैं। अब गर्म होने के बाद क्या होगा कि इससे आपका मास का ट्रांसफर होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, दोनों ट्रांसफर होगा, क्योंकि खुला है, ओपन है, मतलब इसके ऊपर कोई ढकना वगैरह नहीं डाले हैं, तो यहां से मास का भी ट्रांसफर हो रहा है और क्या हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यानी ओपन सिस्टम में मास का भी ट्रांसफर होगा, अरे पानी छोड़ दीजिए तो सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा ना, देखते होंगे ना कि पानी चढ़ा के या दूध चढ़ा के छोड़ दिए तो सूख जाता है, यानी मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का तो ट्रांसफर हो ही रहा है, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हो गया ओपन सिस्टम, ठीक है। दूसरा आते हैं, समझते हैं क्लोज सिस्टम। अब इसी को ढकना लगा के ढक दीजिए, ठीक है, यही जो दूध था उसको क्या कर दीजिए, ढक दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे ढक दिए, इसके ऊपर थाली रख दिए, इसके ऊपर क्या कर दिए, थाली रख दिए, तब थाली रखने से क्या होगा कि इससे मास नहीं निकलेगा लेकिन एनर्जी तो निकलेगा ना, एनर्जी का तो ट्रांसफर होगा ना, क्योंकि गर्म है, चारों सराउंडिंग को, अपना सराउंडिंग को गर्म करना चाहेगा, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, मास नहीं निकल रहा है लेकिन इसके इससे क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है, तो एनर्जी निकलेगा लेकिन मास नहीं निकलेगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होगा। यहाँ पे ओपन सिस्टम में मास का भी ट्रांसफर होगा और किसका, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, दोनों होगा, क्लियर समझते जाइएगा। फिर एक आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, पानी रखने वाला एक थर्मस आता है, पानी रखने वाला थर्मस, जिसमें पानी रखिएगा तो गर्म रहेगा और ठंडा रखिएगा तो ठंडे रहेगा, तो इसका मतलब क्या कि ना तो इससे मास का ट्रांसफर हो रहा है, ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है, ना इससे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम को समझे, यहाँ ओपन सिस्टम को समझे, यहाँ क्लोज सिस्टम को समझे। तो फिर से बोलिएगा एक बार, क्लोज सिस्टम है तो क्या होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ओपन सिस्टम है तो क्या होगा, मास का भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए तो आते हैं इसी को बारी बारी से पढ़ लीजिए। अब क्लोज सिस्टम क्या था, तो दे दीजिए नो मास ट्रांसफर, यहाँ पे मास का ट्रांसफर नहीं होगा, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में मास का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल मास सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम, क्योंकि क्लोज है बर्तन, इसके पानी इसमें डाले थे, ऊपर से क्या डाल दिए थे, ढक्कन लगा दिए थे, तो ढक्कन लगाने से मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम। एग्जांपल, रिजिड कंटेनर एंड पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व, ठीक है, मतलब कोई भी इसमें बोला रिजिड कंटेनर एंड पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व। अब इसको आप देखिए, कंटेनर एंड पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व, इसका अच्छा पिस्टन का, पिस्टन सिलेंडर का आप लोग प्रयोग किए थे, आपको 9th 10th में ऐसा ही दिया गया होगा कॉलेज में, मतलब स्कूल में, तो कैसे करते थे हम लोग, मान लीजिए ऐसे घर बनाने के लिए एक क्या करते थे, कंटेनर ले लेते थे, कंटेनर के नीचे यहाँ पे एक होल कर देते थे, क्या कर देते थे, होल कर देते छिद्र कर देते थे, और ऊपर से क्या करते थे, ढक्कन लगा देते थे, ऊपर से ढक्कन पैक कर देते थे, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे से एक मोमबत्ती जला देते थे, मोमबत्ती जला देते थे, और इसमें कुछ 5 से 6 बूंद, ज्यादा पेट्रोल की मात्रा नहीं, 5 से 6 बूंद का क्या कर देते थे, इसमें पेट्रोल डाल देते थे। अब इसमें क्या करते हैं कि किसी भी माचिस की सहायता से दूर से इसमें हम आग, मतलब आग जलाते थे, तो ये पूरा क्या हो जाता था, मतलब पूरा धुआं के साथ ये वाला ढक्कन निकल जाता था, ठीक है। तो यही था, मतलब एक एक्सपेरिमेंट था मेरा पिस्टन सिलेंडर सिस्टम का विदाउट वाल्व वाला, ठीक है। चलिए दूसरा आते हैं ओपन सिस्टम। तो इन ओपन सिस्टम मास ट्रांसफर आल्सो टेक प्लेस अलोंग विथ एनर्जी ट्रांसफर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। ये ओपन सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे थे कि ओपन सिस्टम में छोड़ देते थे, यहाँ पे मान लीजिए पानी चढ़ा दिए या कोई भी चीज नीचे, ऐसे नीचे से हीट दे रहा है, तो क्या रहा है, इसे मास का भी ट्रांसफर हो रहा है और साथ ही साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। इसको हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम क्यों बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे अभी जस्ट बता रहे थे ना कि हम ओपन सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम जो अभी मान रहे थे हम लोग, उसमें क्या माने थे, एक कि बिना बाउंड्री वाला, ठीक है, जिसमें इमेजिनरी बाउंड्री था, तो इमेजिनरी बाउंड्री है तो ये वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आ भी सकता है, वॉल्यूम जा भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम है। एग्जांपल आर जैसे टरबाइन, कंप्रेसर, पंप, नोजल, थ्रोटिंग वॉल्व, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ किसका, ओपन सिस्टम का, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो रहा था कि जैसे एक बोतल वाला सबसे अच्छा एग्जांपल था, जिसमें पानी ठंडा रखते हैं या गर्म रखते हैं, तो गर्म रखते हैं तो गर्म ही रहता है, जिसको थर्मस साइड बोलते हैं। तो नाइदर मास नॉर इनर्जी ट्रांसफर, दोनों को दोनों ट्रांसफर नहीं होते, ना तो मास ट्रांसफर होता है ना इनर्जी ट्रांसफर होता है। ये एग्जाम्पल आर परफेक्टली रिजिड कंटेनर एंड यूनिवर्स, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम देख लिए हम लोग, ओपन सिस्टम देख लिए हम लोग, और क्या देख लिए, क्लोज सिस्टम देख लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे आपका तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में आते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दो तरह का होता है, एक इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होता है, दूसरा एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होता है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में क्या डिफरेंस है, तो बस सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर मास इंडिपेंडेंट है और साइज ऑफ सिस्टम ऑल्सो इंडिपेंडेंट है तब बोलते हैं इंटेंसिव, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से समझा रहे हैं इसको, अगर मास डिपेंडेंट है एंड ऑल्सो साइज ऑफ सिस्टम डिपेंडेंट है तब हम उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा, डेंसिटी पढ़े हैं, डेंसिटी पढ़ के आए होंगे, डेंसिटी क्या होता था, मास वाई वॉल्यूम होता था, क्या होता था, मास वाई वॉल्यूम। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसमें वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है, ठीक है, और मास जो है 16 केजी है, मास कितना है 16 केजी है। अब हम कंटेनर में 8 मीटर क्यूब वॉल्यूम है और 16 केजी मास है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हाफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाफ, तब क्या होगा कि जो मास था आधा हो जाएगा, यानी इधर कितना 8 केजी, मान लीजिए 8 केजी है तो इधर भी कितना हो गया 8 केजी हो गया। अब वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 8 मीटर क्यू 4 मीटर क्यू, इधर भी क्या हो गया 4 मीटर क्यू। तो पहले चेंज होने के पहले का डेंसिटी निकालिए, तो चेंज होने का मास बाई वॉल्यूम होता है, मास कितना 16 केजी और वॉल्यूम कितना 8, तो 16/8 कितना हो गया 2 केजी पर मीटर क्यू, ये आपका क्या है डेंसिटी आ गया, ठीक है। ये चेंज होने के पहले, अब चेंज होने के बाद वाला निकालिए, तो चेंज होने के बाद कितना हो गया था 8 केजी हो गया था, 8 केजी और कितना 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम, तो इसको काटेंगे तो 4 × 8, यानी ये भी आया कितना 2 केजी पर मीटर क्यूब। बताइए तो मास पे डिपेंड किया, मास पे डिपेंड नहीं किया, साइज पे डिपेंड किया, नहीं किया, तो इसी को बोलते हैं इंटेंसिव, यानी समझ गया ना। चलिए तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंटेंसिव, अगर मास और साइज पे अगर डिपेंड नहीं करे यानी इंडिपेंडेंट हो तो उसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या बोलेंगे, जो मास पे डिपेंड कर जाए और साइज पे डिपेंड कर जाए। जैसे यहीं पे वॉल्यूम को देखते हैं, अगर हम 20 से आधा कर दिए तो वॉल्यूम क्या हो गया आधा हो गया, मास भी क्या हो गया आधा हो गया, मतलब मास भी चेंज वॉल्यूम भी चेंज, तो ये क्या हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, ये क्या हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि रूम है, रूम में हम बीच से एक दीवार लगा देंगे तो टेम्परेचर इधर का अलग हो जाएगा, टेम्परेचर तो दोनों में सेम ही रहेगा, तो सेम रहा इसका मतलब क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। चेंज ना होगा तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, चेंज हो जाएगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन, ये क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है। अगर दो रेशियो को, अगर एक दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो करेंगे तो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही आएगा। जैसे अगर एक मास क्या है, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको अगर आप जैसे एक बॉल है इसको हाफ कर दीजिए तो देखिए वॉल्यूम भी आधा हो गया, मतलब और चेंज भी हो गया, मास भी चेंज हो गया, तो मतलब मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम भी क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम भागक करते हैं तो क्या आता है डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, और डेंसिटी में कैसा प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं यानी रेशियो करते हैं तो हमेशा ये क्या आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे हीट का फॉर्मूला क्या होता है, MC डेल्टा T होता है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसी में मास से डिवाइड कर दीजिए, तो मास से डिवाइड कर दिए तो मास इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो मास इंडिपेंडेंट हो गया मतलब स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये सिर्फ हीट है, अगर उसी को मास से डिवाइड कर देते तो क्या बनता है स्पेसिफिक हीट बनता है। यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो होता है वो कैसा प्रॉपर्टीज होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, क्लियर हो रहा है। चलिए अब आते, अगर डॉट रहेगा तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन है, ऐसे ही आपको क्या करना है, चेक करना है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है प्रेशर है, इंटेंसिव मतलब जो चेंज ना हो, प्रेशर चेंज हो सकता है क्योंकि ये क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मान लीजिए इसको हम इतना बड़ा एरिया था तो इसको काट भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हमको फोर्स जितना एरिया पे लग रहा है उतना ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो प्रेशर कोई दिक्कत नहीं, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं
होता है। टेम्परेचर वही तो बता रहे थे अभी कि टेम्परेचर अगर हम एक घर है इसमें जितना भी मान लीजिए टेम्परेचर है उसको हाफ कर देंगे तो इधर अलग हो जाएगा, नहीं होगा। टेम्परेचर भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मान लीजिए दो ऑयल है, इतना ऑयल ले लिए, तेल ले लिए, इसको आधा आधा तेल को आधा दो भाग में बांट देंगे तो दोनों का विस्कोसिटी चेंज होगा, नहीं होगा। डेंसिटी भी चेंज नहीं होता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज नहीं होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होता। तो ये सब क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एनर्जी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, स्टेट ऑफ ए सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अभी थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं क्योंकि LRC का एग्जाम है, LE वालों जो लेटरल एंट्री से होंगे, तो थोड़ा सा अभी दो चार दिन, ज़्यादा नहीं, दो चार दिन, थोड़ा सा एक दो लेक्चर ला रहे हैं, फिर आपको जल्दी जल्दी लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे स्टेट ऑफ ए सिस्टम से स्टार्ट करेंगे।